वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि आजकल आप देख रहे होंगे कि पब्लिक प्लेसेस पे लोग अक्सर मास्क पहन के घूम रहे हैं। जब से इंडिया में कोरोना वायरस के नए केसेस देखने को मिल रहे हैं, तब से लोगों में ये डर पनप गया है कि उनको ना हो जाए, इसलिए वो मास्क का इस्तेमाल करने लगे हैं। लेकिन मैंने ये नोटिस किया है कि आधे से ज़्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि मास्क कौन सा इस्तेमाल करना है और उसको पहनने का सही तरीका क्या है। जब से लोगों को ये पता चला है कि वो अगर मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो वो कोरोना वायरस से बच सकते हैं, तब से लोगों ने मास्क खरीदना शुरू कर दिया और मास्क के रेट भी नॉर्मल रेट से कई गुना बढ़ गए। लेकिन आप ये सोचिए कि एक तो आपने नॉर्मल रेट से कई गुना ज़्यादा पे किया है, और अगर उसके बाद भी मास्क लगाने का सही तरीका ना पता होने के वजह से अगर आप फुल्ली प्रोटेक्टेड नहीं हैं तो फिर इसका क्या फ़ायदा। इसीलिए आज हम बात करेंगे कि मास्क लगाने का सही तरीका है क्या। अब मैं आपको बताऊंगी कि मास्क कितने प्रकार के होते हैं। मास्क तीन तरह के होते हैं, एक सर्जिकल मास्क, एक N95 और तीसरा N99। कुछ दिनों पहले जब दिल्ली और NCR वाले रीजन में बहुत ज़्यादा एयर पोल्यूशन बढ़ गया था, उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मास्क के बारे में काफ़ी जानकारी दी गई थी। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पे जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि मास्क सभी को पहन के घूमना ज़रूरी नहीं है। जो लोग बहुत गैदरिंग के बीच में जाते हैं या जिनको लोगों से बहुत ज़्यादा मिलना पड़ता है, उनके लिए ज़रूरी है कि वो N95 मास्क ही खरीदें। फ्रेंड्स, पहले मैं आपको बताऊंगी कि जो सर्जिकल मास्क होता है वो ये होता है। ये सर्जिकल मास्क, इसका जो आउटर सरफेस है ये वाटरप्रूफ होता है, और इसका जो इनर सरफेस है ये वाला हिस्सा, ये वाटर एब्जॉर्बेंट होता है। इसको सर्जन्स और उनका जो स्टाफ होता है वो अंदर ऑपरेशन थिएटर में यूज़ करता है। वो इसलिए यूज़ करते हैं कि अगर हम जब कोई सर्जरी की जाती है तो पूरे ऑपरेशन थिएटर को एक तरह से सैनिटाइज कर देते हैं। लेकिन उस समय जब वो बात करते हैं या किसी को कोई सामान चाहिए होता है, उस समय उनके मुंह से कोई ड्रॉपलेट्स निकलती हैं या खांसते छींकते वक्त कोई ड्रॉपलेट निकलती है, तो वो उस सर्जिकल फील्ड में ना जाए, इसलिए वो इस तरह के मास्क को इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसको सर्जिकल मास्क कहते हैं। फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि सर्जिकल मास्क को पहनते कैसे हैं। जब भी कोई सर्जिकल मास्क आप खरीद के लाते हैं तो पहले वो स्टेरिलाइज आपको मिलता है, तो अगर आपके हाथ गंदे हैं तो सबसे पहले आप उसको प्रॉपर हैंड वॉश कर लीजिए। हैंड वॉश प्रॉपर कैसे करते हैं इसके लिए भी इसी वीडियो में आपको आगे पता चल जाएगा कि प्रॉपर हैंड वॉश कैसे किया जाता है। हैंड वॉश करने के बाद आप अपने हाथ में सैनिटाइज़र लगा के अपने हाथ को सैनिटाइज कर लीजिए। उसके बाद ये है सर्जिकल मास्क। इसमें जो डार्क ब्लू कलर है ये बाहर की तरफ रहता है, और ये इसका ईयर लूप है। आप इसको इसके ईयर लूप से निकालेंगे और इसके ईयर लूप को पकड़ के इस तरह ले जाके ऐसे पहन लेंगे। उसके बाद क्योंकि आपके हाथ सैनिटाइज हैं, आप इसके आउटर सरफेस को ऐसे प्रेस कर लेंगे और इसको नीचे से भी पूरी तरह से कवर कर लेंगे। क्योंकि ये जो सर्जिकल मास्क है ये अंदर से चेक किया जाता है, इसीलिए आपको बहुत प्रोटेक्शन नहीं देता है, और इसका जो ये सेक्शन है ये भी थोड़ा ओपन होता है, इसलिए भी इसमें आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड नहीं रहते हैं। जब आप इसको निकालते हैं तब भी इसको आप इसके ईयर लूप से निकालेंगे और ऐसे करके 6 घंटे के इस्तेमाल के बाद आप इसको इसी तरह से डिस्पोज कर देंगे, क्योंकि 5 से 6 घंटे के बाद ये अंदर से गीला हो जाता है और दोबारा यूज़ के लायक नहीं रहता है। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं ये एक N95 मास्क है। ये मास्क सर्जिकल मास्क से बेटर है। ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स को, वायरस को, स्वाइन फ्लू से आपको और कोरोना वायरस से सबसे ज़्यादा प्रोटेक्ट करता है। अगर आप सर्जिकल मास्क का यूज़ करते हैं तो उससे बेटर है कि आप N95 मास्क का यूज़ करें।
इसमें भी दो तरह के मास्क आते हैं, एक सिंगल यूज़ का आता है और एक मल्टीपल यूज़ का आता है। ये मास्क मल्टीपल यूज़ का है, इसमें लिखा हुआ है कि ये 45 डेज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं, तो जिस तरह से इस मास्क पे गाइडलाइन दी हुई है उस हिसाब से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अगर आप N95 मास्क मंगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपने साइज़ का मास्क मंगाएं, क्योंकि ये अलग अलग साइज़ में आते हैं, एक्स्ट्रा स्मॉल, स्मॉल, मीडियम, ये इस तरह के इसलिए आते हैं ताकि आपका जो फेस है वो यहाँ से लेके ये पूरी तरफ से प्रोटेक्टेड रहे और कहीं से भी एयर एंटर कर ना सके। ये जो N95 मास्क हैं, इनकी खास बात ये है कि इनकी जो टेस्टिंग होती है वो बाहर से अंदर की तरफ होती है, कि बाहर से कितनी चीज़ें इसको लगाने के बाद अंदर आ सकती हैं। और जो सर्जिकल मास्क है उनके साथ ऐसा होता है कि उनकी टेस्टिंग अंदर से बाहर की तरफ की जाती है। ये डिफरेंस होता है N95 मास्क का और सर्जिकल मास्क का। ये N95 मास्क है, इसको भी पहनने का तरीका बिल्कुल सर्जिकल मास्क की तरह ही है। इसको अपने हाथ साफ कर लीजिए, फिर इसको भी ईयर लूप से पकड़िए और इस तरह से पहन लीजिए। इसमें ऊपर एक मेटलिक बैंड होता है, सर्जिकल मास्क में भी ऊपर एक मेटलिक बैंड होता है, उसी से आपको पता चलेगा कि ये नोज़ वाला सरफेस है। उसको आप लगाने के बाद यहाँ से ऐसे प्रेस कर लीजिए, फिर ये ऊपर से पूरी तरह से बंद हो जाएगा। आप जब सांस लेते हैं तो ये ध्यान दीजिए कि कहीं से एयर अंदर नहीं आए, अगर अंदर नहीं आ रही है मतलब आप प्रोटेक्टेड हैं। इसीलिए ये नीचे भी दिया जाता है, इसको अगर आप खींच लें तो ये पूरी तरह से सेट हो जाता है। जब आप इसको पहन लेते हैं तो उस समय जो एयर निकलती है वो यहाँ से, यहाँ पे एक वॉल्व दिया हुआ है, इससे बाहर हो जाती है। इसलिए ये मास्क जो है वो सर्जिकल मास्क की अपेक्षा ज़्यादा सेफ होता है। कुछ लोगों को देखा गया है जब वो मास्क पहनते हैं, इस तरह से मास्क पहन लेते हैं, तो जब वो बात करते हैं तो यहाँ से पकड़ के मास्क को ऐसे कर लेते हैं, फिर बात करते हैं, फिर इसको ऐसे कर लेते हैं, तो उससे क्या होता है कि आप इन्फेक्शन को अपने पास ले जा रहे हैं, आपके हाथ इन्फेक्टेड हो जाते हैं, उसके बाद आप इसको जितना ही छुएंगे इन्फेक्शन आप अपने करीब ले जा रहे हैं। तो ऐसा करने से आपको बचना है, ये बिल्कुल गलत तरीका है, इससे अच्छा है फिर आप मास्क हटा दें। आइए अब हम बात करते हैं कि क्या सभी को N95 मास्क पहनना ज़रूरी है, या सर्जिकल मास्क भी क्या सभी को पहनना ज़रूरी है। तो ऐसा नहीं है, अभी हमारे देश में कोरोना वायरस का जो स्प्रेड है वो स्लो है, तो सबसे ज़्यादा उन लोगों के लिए N95 मास्क ज़रूरी है जो कि हाई रिस्क वाले हैं। एक तो वो लोग जो ऑलरेडी कोरोना इन्फेक्टेड हैं, अगर वो मास्क पहनते हैं तो वो दूसरे तक इन्फेक्शन को नहीं पहुँचाएंगे। दूसरा, जो लोग उनके कांटेक्ट में ज़्यादा आ रहे हैं, या वो उनकी फैमिली के हैं, या मेडिकल स्टाफ है, या पैरामेडिकल स्टाफ है, या जो भी जांच एजेंसी हैं या पुलिस वाले हैं, जो लोग भी उनके टच में ज़्यादा आ रहे हैं उनके लिए मास्क ज़्यादा ज़रूरी है। जो आम लोग हैं जो अभी इन लोगों के टच में नहीं हैं, बस उनको बहुत ज़्यादा भीड़ में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो जितना अपने आप को घर के अंदर रखेंगे उतना उनके लिए अच्छा है, वो लोगों के संपर्क में कम आएंगे तो इन्फेक्शन के चांसेस अपने आप कम हो जाएंगे। मास्क के संबंध में मैंने आपको ज़्यादातर जानकारी दे दी है, अगर उसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपनी बात पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको ज़रूर दूंगी। मैं अब आपको कोरोना वायरस से बचाव के लिए कुछ टिप्स दूंगी। कोरोना वायरस का अभी तक मार्केट में ना तो कोई वैक्सीन अवेलेबल है, ना ही कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है, केवल और केवल प्रिवेंशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे आप अपने आप को और अपनी फैमिली को बचा सकते हैं। इसलिए केवल आप इन टिप्स को फॉलो करिए। जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना वायरस छींकने खांसने इससे स्प्रेड हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी कोई छींकता है या खांसता है तो उससे जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो एयर में आती हैं या आसपास के सरफेस पे गिर जाती हैं, और अगर कोई इंसान उसको टच करता है, उस सरफेस को, या उसके आसपास होता है और उस ड्रॉपलेट्स को इनहेल कर लेता है, अंदर ले लेता है, तो उसके अंदर इन्फेक्शन के चांसेस उतने ही ज़्यादा हो जाते हैं, और यही चांसेस उनमें भी ज़्यादा होते हैं जो 1 मीटर के डिस्टेंस के अंदर होते हैं। अगर कोई 1 मीटर के डिस्टेंस के बाहर है तो उसको कोरोना वायरस के चांसेस कम हो जाते हैं।
कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से बचने का एक तरीका और है, और वो है प्रॉपर हैंड वॉश और फ्रीक्वेंट हैंड वॉश। हो सके तो आप 20-25 मिनट के अंतराल पे बार बार हाथ को धो लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन से धोएं। अगर आप हाथ नहीं धो पाते हैं तो अल्कोहल बेस्ड हैंड रब से अपने हाथ को सैनिटाइज कर लें। दूसरी चीज़ ये है कि अपने हाथ से आप जिन चीज़ों को भी टच करते हैं, जैसे डोर के हैंडल हैं, टेबल है, जिस चीज़ को भी आप बार बार टच करते हैं, उस जगह को भी सैनिटाइज़र से साफ़ कर लें, वो भी आपके लिए अच्छा होगा। बार बार हाथ धोने से आपका फ़ायदा ये होगा कि आपके हाथ इन्फेक्शन से बचे होंगे। दूसरा ध्यान ये रखना है कि अपने हाथों को बार बार अपने मुंह पे, अपनी आँखों पे, नाक पे बार बार टच नहीं होने देना है। अपने हाथ को अपने मुंह के पास, आँखों के पास, नाक के पास क्यों नहीं ले जाना है? ऐसा इसलिए नहीं करना है कि अगर इन्फेक्शन आपके हाथों तक पहुँच भी गया है तो वो नाक और आँख के थ्रू अंदर जा सकता है। तो अगर आप इसको हाथ मुंह तक या आंख तक नहीं ले जाते हैं तो अभी भी आप इन्फेक्शन को अंदर ले जाने से बचे हुए हैं। कोरोना वायरस से बचने का एक तरीका ये भी है कि आप किसी भी दूसरे इंसान से 1 मीटर से ज़्यादा दूरी बनाकर रखें। इसीलिए लोगों से ये अपील की जा रही है कि वो गैदरिंग वाली जगह पर ना जाएं, क्योंकि अगर आप किसी भी काम से निकलते हैं और भीड़ भाड़ वाली जगह पर जाते हैं तो वहाँ कोई भी कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो सकता है और वो इन्फेक्शन स्प्रेड हो जाएगा। और जो लोग भी छोटी मोटी चीज़ों से परेशान हैं, अगर वो हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल में आप जाएंगे अपने ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन आप वहाँ पे कोरोना वायरस के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए ये अपील की जा रही है कि अगर आपको कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम हो तो कोशिश करें कि अभी हॉस्पिटल जाना अवॉइड करें। जब भी किसी को खांसी या छींक आती है तो एक तरीका ये है कि वो अपने मुंह पे टिश्यू पेपर रख ले। लेकिन ये भी हो सकता है कि उस वक्त आपके पास टिश्यू पेपर ना हो। तो अगर टिश्यू पेपर नहीं है तो आप अपने हाथ को मुंह पे ना रखें, क्योंकि हाथ जो है वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है। उसके बाद हाथ जहाँ भी पहुँचेगा चीज़ें इन्फेक्टेड होती जाएंगी। तो अगर अचानक से छींक आती है या खांसी आती है तो हाथ की जगह पर आप अपने एल्बो का इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं। कुछ लोगों में एक पैनिक क्रिएट हो रहा है कि कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो गए तो ठीक नहीं होंगे। हालांकि ऐसा देखा गया है कि 80% लोग अगर कोरोना वायरस से इन्फेक्टेड हो भी गए तो वो अपने आप ठीक हो जाते हैं, उनको बहुत ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। 20% लोगों को ही हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादातर ओल्ड एज पीपल या जो लोग इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जैसे कि डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, जिनका ब्लड प्रेशर ज़्यादा है, ऐसे लोगों में समस्या थोड़ी ज़्यादा है। बाकी लोगों को इतनी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अपने हाथ को धोने के लिए पहले अपने दोनों हाथों को पानी से अच्छी तरह भिगो लें। इसके बाद अपने हाथ में साबुन को लेकर पानी लगाकर उसको खूब अच्छी तरह से रगड़ें, जब तक कि उसमें झाग नहीं बन जाए। इसके बाद अपने हाथ की जो उंगलियां हैं उनके बीच की जगह को दोनों हाथों को एक दूसरे के अंदर लगा के रगड़ें। अपने दोनों हाथों की उंगलियों के बीच की जगह को अच्छी तरह से रगड़ने के बाद अंगूठे के बीच के हिस्से को भी रगड़ें। इसके बाद अपने एक हाथ के पाम पर दूसरे हाथ के नाखूनों को रगड़ें, ताकि नाखून के अंदर की गंदगी भी अच्छी तरह से साफ हो जाए। आप अपने हाथ में रिस्ट के हिस्से को भी धोएं, रिस्ट के ऊपर वाले हिस्से को भी अच्छी तरह से साफ कर लें। हाथ को अच्छी तरह से धोने के बाद या तो उसको आप ड्रायर में सुखाएं पानी को अच्छी तरह से निकल जाने के बाद, या उसको बिल्कुल ही साफ टॉवल से अपने हाथ को फिर पोछें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो इस बारे में तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।